हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और गार्डनिंग दिल से में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो आज मैं आपको एक और सीड्स के बारे में बताऊंगा, उनको कैसे लगाएं, किस टाइम पे लगाएं और कब वो आपको फ्लावरिंग देंगे और उसकी एडवांटेजेस क्या होती है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आज ही ये बीज अपने प्लांट में से निकाले हैं, मैं भी दिखाता हूँ आपको। आप बता सकते हैं ये बीज किसके हैं? ये मटर की फली जैसे बीज, आप बता सकते हैं ये किसके हैं? तो मैं बताता हूँ कि आपको ये ब्लू बेल के बीज हैं। ब्लू बेल प्लांट होता है एक, जिसको अपराजिता बोलते हैं, ये उसके बीज हैं। और सर्दियों में ये वाला प्लांट बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ये जिस टाइम पे इसके बीज निकाले जाते हैं। ये प्लांट एक बेल की तरह होता है, जिसको आप छत तक चढ़ा सकते हैं या जिस तरह से भी आपको बनाना हो उस प्लांट को आप बना सकते हैं। इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, और एक वेरीगेटेड होता है फ्लावर्स का, जिसमें डबल लेयर की फ्लावर आते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। मैं उसकी फ़ोटो डाल दूंगा, आप देख सकते हैं उसको। तो इसको क्या करना है कि ये जो मटर की तरह आपको दिख रहा है बीज पूरा, ये तो इसको तोड़ना है, बिल्कुल मटर की तरह ही इसको छीलना है, बिल्कुल इस तरीके से। ये आप देखें, इस तरीके से आप छील लेंगे इसको और ये काले काले बीज दिखेंगे आपको। ये काले काले बीज जो हैं इसमें आपको दिख रहे हैं, ऐसे बीज निकलेंगे इन सब सीड्स में से। तो आपको यही फैब एंड में या फिर 15 फैब के बाद से आपको ये आप मिट्टी में डाल दीजिए, और फिर 2-3 महीने में इनके प्लांट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। और फिर ये वाला प्लांट रहता है सितंबर एंड तक, सितंबर एंड तक ये खूब फ्लावर देगा आपको, बिल्कुल ग्रीन रहेगा और अच्छी तरीके से पूरा पेड़ एकदम पर्पल पर्पल हो जाता है इसके फ्लावर से, वाइट पर्पल जैसे भी फ्लावर आते हैं इसमें, बहुत खूबसूरत दिखता है ये जब इसमें फ्लावरिंग ब्लूमिंग वगैरह होती है। और बाकी इसको खाद और जितना भी कंपोस्ट वगैरह अच्छी तरीके से बनाते हैं आप लोग, वो उसको प्रॉपर तरीके से देते रहिए, तो ये प्लांट बहुत खूबसूरती से चलता है। तो यही दिखाना था आज मेरे को आपको, अपराजिता के बीज। और यही सही टाइम है, अभी फेब्रवरी चल रहा है, तो इसको आपके पास में कहीं से भी अवेलेबल हो, इसको घर लाके आप अपनी मिट्टी में डाल दीजिए, पॉट्स वगैरह में डाल दीजिए। और अगर आप इस प्लांट को मार्केट से ख़रीदते हैं तो ये आपको 20 रुपीज़ कॉस्ट करेगा, 20 रुपीज़ से 50 रुपीज़ तक का कॉस्ट करेगा। छोटा प्लांट लेंगे तो आपको 20 रुपीज़ पड़ेगा, या फिर बड़ा प्लांट लेंगे तो आपको मैक्सिमम 50 रुपीज़ में आपको मिलेगा ये। अगर आप सीडलिंग से आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपका कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी नोन है जिसके घर में ये प्लांट लगा हुआ है, तो आप उनसे ये सीड्स बोरो कर सकते हैं, ले सकते हैं और फिर आप अपने घर में उगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, बाकी फिर अगली वीडियो में मिलते हैं एक अलग चीज़ के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।